नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कमलनाथ सरकार द्वारा पत्थरबाजों को मजा चखाने वाले पुलिसकर्मियों का तबादला भोपाल पर कर दिया गया है, जिससे नाराज हिंदूवादी संगठनों ने जबालीपुरम हिंदू महासभा का निर्माण करते हुए मंगलवार 7 जनवरी को जबलपुर महाबंद का आयोजन किया। इसी के चलते आज संगठनों के कार्यकर्ताओं ने व्यापारी बंधुओं से मुलाकात करते हुए जस्टिस फॉर पुलिस अभियान के तहत 7 जनवरी को अपना प्रतिष्ठान बंद कर इस विरोध में सहयोग देने का आग्रह किया और कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर सदर गढ़ा अन्य जगहों पर जाकर व्यापारी बंधुओं को पंपलेट देते हुए महबंद में शामिल होने का आग्रह किया। वहीं इस दौरान समाजसेवी अमित खंपरिया, हिंदूवादी नेता योगेश अग्रवाल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों के नेता उपस्थित हुए। जबलपुर में एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है, जो जबलपुर महाबंद का आयोजन जबलपुर हिंदू महासभा द्वारा किया गया है। ट्रेम से हम लोग के स्टेप बाय स्टेप गढ़ा गोरखपुर व्यापारी संघ, गढ़ा व्यापारी संघ, सराफा व्यापारी संघ और सदर व्यापारी संघ, क्रम से लगातार हम लोग के सदस्य मार्केट जाके और व्यापारी संघों से, गणेश समितियों से, दुर्गा समितियों से, सभी से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इस महाबंद को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और यह महाबंद नितांत आवश्यक हो गया है। ये किसी एक वर्ग समुदाय के लिए नहीं बल्कि समस्त हिंदुओं के लिए यह नितांत आवश्यक है कि ये भारत बंद होना चाहिए और अपनी उपस्थिति प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए और ये भारत बंद में सबको समर्थन देना चाहिए। और 7 तारीख का सभी संस्कारदानी वासियों से अनुरोध है कि 7 तारीख को अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और अपने बच्चों के स्कूल न भेजें और इस महाबंद में समर्थन दें। जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।